कैलगरी में बहुत स्नोफॉल हुई है, वही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल ना हो। अभी वो लोग विनीपेग, मैनिटोबा या फिर सस्केचवान में आते हैं। लेकिन शाम को ही बारिश हो गई, तो अभी 3-4 दिन कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है, बारिश ही होने वाली है। बाकी अभी डिनर की तैयारी चल रही है। आज डिनर में बन रहा है पनीर, तो ये पनीर फ्राई कर लिया है सेलो फ्राई, और यहाँ पे वेजिटेबल सॉटे कर रहे हैं। तो आज बना रहे हैं काठी रोल, पनीर काठी रोल। तो यहाँ पे रोटी बन रही है, सब्जी बन के रेडी है। बजे 7, पीछे क्लाउड्स आ जा रहे हैं, तो अभी क्लाउडी है, रात को बारिश होने वाली है, ये अच्छी बात है। चलो हमारे लिए अभी जितनी बारिश हो अच्छी बात है। तो अभी मैं बना रहा हूँ मिर्ची का अचार, जो कि लास्ट टाइम मैंने बनाया था ये वाला। तो अभी मैं इसको सीड्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं फिर। तो ये मसाला हमारे पास पड़ा है, तो इसके अंदर मैं अभी डाल के मिर्ची का अचार बना देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था, वो बहुत लंबे टाइम तक भी चला था, तो ये एक अच्छी बात है, खाने में मज़ा आता है। तो अभी मैं ये बना देता हूँ, फिर डिनर करने बैठेंगे। तो इतनी मिर्ची मैंने कट कर दी है। चलो ये अंदर से सीड्स भी निकाल लिए, अभी इसके अंदर डालेंगे लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट, फिर ये मसाला डाल देंगे। ये क्या लेमन, ऑलराइट। सो डिनर बन के रेडी है, ये बटर पनीर काठी रोल में वैसे ही बोल रहा था, बटर पनीर बन रहा था, तो बटर पनीर, और यहाँ पे रोटी और ये सैलेड। चलो डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं डिनर करके। द नेक्स्ट डे, ऑलराइट। सो अगले दिन की सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट करने के लिए मतलब बैठेंगे, अभी चाय बनाने के लिए रख ली है, मेरी ग्रीन टी भी हो गई है, यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है हमारी, बाकी सन निकल रहा है धीरे धीरे। आज क्लाउडी है वेदर, बारिश गिरने वाली है पूरे दिन, ऐसा दिखा रहा है फोकस। बाकी टेम्परेचर आज फिर से सिंगल डिजिट में है, तो स्प्रिंग वाला माहौल है आज, समर वाला नहीं है। मतलब अचानक से टेम्परेचर डबल डिजिट हो गया था, प्लस में 20 के अराउंड भी चला गया था, तो समर वाली वाइब आ रही थी, बट अभी फिर से सिंगल डिजिट है आज, तो स्प्रिंग वाला माहौल बनेगा आज। बारिश भी होने वाली है हल्की फुल्की, तो होपफुली हो जाए, और देखते हैं अभी क्या होता है, कितनी बारिश होती है, क्योंकि बारिश का यहाँ पे कुछ पता नहीं है। लास्ट ईयर बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी मतलब, तो देखते हैं अभी। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। Alright, so अभी बजे है 9:30, खाना पीना हो चुका था, अभी बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, जिसका फोरकास्ट था ही, तो होपफुली बारिश हो रही। बाकी कैलगरी में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है आज, 8 सेंटीमीटर कुछ स्नोफॉल हुआ है कैलगरी में, बेम साइड ज्यादा है, तो होपफुली यहाँ पे ना हो बस। तो बारिश हुई है, अच्छी बात है, बाकी 2-3 दिन में वेदर ऐसा ही रहने वाला है, क्लाउडी है, बारिश होती रहेगी, बस बारिश होती रहे, स्नोफॉल ना हो, वही एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी मौसम अच्छा हो गया, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं बाहर, ये देखो सब गीला गीला और अच्छा माहौल है, होपफुली ऐसा ही रहे। तो ठीक है, अभी सो जाते हैं, मिलते हैं कल सुबह में, गुड नाइट। The next day. Alright, so अगले दिन की सुबह हो चुकी है, वेंसडे आ चुका है, बाहर क्लाउडी है और ये देखो बारिश वाला माहौल बन चुका है, पीछे भी रात को अच्छी खासी बारिश गिरी है, तो देखो ग्रीन ग्रीन अच्छा दिख रहा है अभी फिलहाल। आज पूरे दिन ऐसा ही रहने वाला है मौसम, 2 दिन ऐसा ही रहने वाला है, कल भी ऐसा ही है, क्लाउडी रहेगा और बारिश गिरती रहेगी हल्की फुल्की। तो चलो वही कल मैंने आपको बताया था कैलगरी में बहुत स्नोफॉल हुई है, वही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल ना हो। बाकी अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारा, ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे ऑफिस के लिए।
ऑलराइट, सो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ चुके हैं और सुबह सुबह में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया था, मतलब अभी आ ही रहे इंटरेस्टिंग सारे कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे। तो एक बहुत ही अच्छा कमेंट था जिसमें भाई बोल रहा था कि अगर किसी ने पाप किए होंगे तभी वो लोग विनीपेग, मैनिटोबा या फिर सस्केचवान में आते हैं। तो हम लोग अभी अपने पाप गिन रहे हैं ब्रेकफास्ट करते करते। तो अगर आप लोग सास्काटून में हो, सस्केचवान में हो, तो आप भी कमेंट में जरा लिख के बता देना कि आपने कौन से पाप किए हैं ताकि आपको यहाँ पे आना पड़ा। तो हम भी अपने वही काउंट कर रहे हैं। बाकी सबसे महापापी तो ये आदमी है जो कि मॉन्ट्रियल से यहाँ पे आया है, तो उसके सबसे पहले हमको गिनने की ये भाई ने कौन से पाप किए, ये वहां से यहाँ पे आया है। मतलब वो भाई ने बोला नहीं है, वो भाई ने कहीं पे पढ़ा है ऐसा वो भाई बता रहा था। तो वही अभी सोच रहे हम लोग कि क्या करें, क्या पाप किए होगे हमने। अच्छे अच्छे है भाई कमेंट, ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं जो कि मजे आते हैं ऐसे कमेंट भी रीड करने में। लेकिन जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हो और पहले से सपोर्ट कर रहे हो उन सभी लोगों को थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आप लोग डेली मतलब जो कमेंट कर रहे हैं उन सभी लोगों को सैल्यूट भाई, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, जितनी मैं कर रहा हूँ उतनी आप भी कर रहे हो। चलो तो साथ में मिलके ग्रो करेंगे, ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। ऑलराइट, सो निकल चुके हैं और ये ग्रास देखो हमारी ग्रीन 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 एकदम ग्रीन हो गई आगे वाली। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं अभी शाम को।